नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 15, द स्कूल स्टाफ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 15, द स्कूल स्टाफ। ओके डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वी ऑल हैव सीन थ्री प्रीवियस वीडियो। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया कि हमारे स्कूल स्टाफ में बहुत सारे मेंबर्स है और वो क्या क्या वर्क करते हैं, उसकी क्या स्पेशल जॉब होती है, उसके बारे में हमने लर्न किया, राइट? तो टुडे हियर स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो हियर वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 15, द स्कूल स्टाफ, और टुडे हियर स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 72। ओके, तो 72 पेज नंबर पे हमारी एक्सरसाइज है। तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है से ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे मैंने सारा राइट करके रखा है एंड जो हमारा राइट यस एंड नो यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। हम वन बाय वन उसका उसे फिलअप भी करेंगे, रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो यू आर रेडी फॉर दिस? ओके, एंड यू ऑल्सो रीड विथ मी? ओके, सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, से ट्रू और फॉल्स। अगर ये सेंटेंस है वो ट्रू है तो हमें पुट ट्रू, ये बॉक्स जो हमें दिए गए हैं उसमें हमें राइट करना है ट्रू। एंड अगर हमारा सेंटेंस है वो फॉल्स है तो यहाँ पे हमें राइट करना है फॉल्स। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टार्ट। द गार्डनर रिंग्स द स्कूल बेल। गार्डनर, देखो यहाँ पे मैंने आपको वन बाय वन सारे मैम्स है वो लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि वो क्या वर्क करते हैं। तो गार्डनर का वर्क क्या है? हाँ, गार्डनर क्या वर्क करता है? वो गार्डन को नीट एंड क्लीन रखता है, उसकी केयर करता है। तो गार्डनर है वो रिंग द स्कूल बेल, स्कूल की बेल है वो रिंग बेल है वो बजाता है? नहीं, वो गार्डन की केयर करता है, राइट? तो ये है जो सेंटेंस, वो ट्रू है या फॉल्स? ओके, आंसर दो आप। ओके, योर आंसर इज यस या नो? हाँ, ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, ये तो फॉल्स है तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी फॉल्स। हाँ, क्योंकि गार्डनर की स्पेशल जॉब है वो गार्डनर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके प्लांट को गार्ड करता है एंड उसे उसकी टेक केयर करता है, राइट? तो रिंग्स द बेल्स है वो कौन बजाता है? वेरी गुड, प्यून करता है ना ये वर्क। ओके, तो ये सेंटेंस है वो फॉल्स हुआ। एंड सेकेंड, द प्यून गार्ड द स्कूल। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, द प्यून, प्यून है वो गार्ड द स्कूल, स्कूल को गार्ड करने का वर्क कौन करता है? प्यून करता है। से आंसर यस या नो? वेरी गुड, नो, क्योंकि प्यून का वर्क है द स्कूल रिंग्स द स्कूल बेल, वो प्यून का वर्क है, मैंने पिक्चर्स भी तो आपको बताई थी ना। हाँ, तो ये सेंटेंस है वो कैसा, क्या हुआ? फॉल्स। ओके, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ फॉल्स। एंड द स्वीपर कीप्स द स्कूल क्लीन, यहाँ पे बात आई स्वीपर की। स्वीपर यानी जो ब्रूम से पूरी स्कूल को नीट एंड क्लीन करता है ना, वो स्वीपर। तो स्वीपर कीप्स द स्कूल क्लीन, स्वीपर है वो हमारी स्कूल में प्लेग्राउंड है, फिर मैनी क्लासरूम है, ऑफिस है, स्टाफ रूम है, सबको क्लीन करता है ना। हाँ, तो योर आंसर इज यस या नो? इफ योर आंसर इज यस, सो राइट ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आएगा ना ट्रू। ओके, तो हमने तीन जो हमने सेंटेंस दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए है। वन मोर टाइम हम फिर से एक बार रीड करते हैं। द गार्डनर रिंग्स द स्कूल बेल, तो आएगा फॉल्स, वेरी गुड। एंड द प्यून गार्ड्स द स्कूल,
तो प्यून है वो स्कूल को गार्ड नहीं करता है, वो तो रिंग्स द स्कूल बेल। तो ये भी सेंटेंस को कैसा हुआ? फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट, द स्वीपर कीप्स द स्कूल क्लीन। तो स्कूल को नीट एंड क्लीन कौन रखता है? स्वीपर ही रखता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ये हमने क्वेश्चन नंबर वन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है वो है राइट यस और नो। आपको बताना है जब भी मैं सेंटेंस रीड करूं तो आपको बताना है कि ये सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है। योर आंसर इज यस, सो पुट राइट। एंड योर आंसर इज नो, सो पुट क्रॉस। ओके, तो हमें यहाँ पे यही करना है राइट। तो क्वेश्चन नंबर टू, राइट यस और नो। फर्स्ट हमारा जो है वो है यू ओबे योर प्रिंसिपल। हम अपने प्रिंसिपल की बात मानते हैं। हाँ, वेरी गुड, आप तो क्लेवर बॉय हो और गुड मैनर्स है वो सब फॉलो करते हो ना। हाँ, तो गुड बॉय हो तो आप अपने प्रिंसिपल की जो बात है वो मानते हो। ओबे योर प्रिंसिपल, सो योर आंसर इज यस या नो? वेरी नाइस, यस। मैं यहाँ पे यस राइट कर रही हूँ। ओके, एंड सेकेंड है वो है यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आप अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करते हो? हाँ करते हो, सो योर आंसर इज यस या नो? वेरी नाइस, योर आंसर इज यस, सो पुट यस। मैं यहाँ पे राइट यस कर रही हूँ। ओके, यू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। आप स्कूल के जो रूल्स है वो फॉलो करते हो? यस या नो? योर आंसर इज यस या नो? इफ योर आंसर इज यस, सो पुट यस राइट। यहाँ पे मैं यस लिख रही हूँ क्योंकि आप स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हो ना। ओके, वेरी नाइस। एंड लास्ट हमारा जो फोर है वो है यू नेवर डू योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, जो स्कूल में से आपको होमवर्क देते हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में या फेयर बुक में राइट करते हो? योर आंसर इज यस या नो? वेरी गुड, आप तो होमवर्क करते हो। तो यहाँ पे तो राइट किया है कि यू नेवर डू, यानी आप होमवर्क करते नहीं हो। तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? योर आंसर इज यस या नो? नो, क्योंकि आप तो बहुत ही गुड बॉय हो, आप तो सब हमें होमवर्क है वो सेंड करके पिक्चर्स भेजते हो ना। हाँ, तो यहाँ पे राइट क्या मैं लिखूंगी? नो। ओके, तो वन मोर टाइम हम फिर से रिपीट करते हैं राइट। यू ओबे योर प्रिंसिपल, तो आप अपने प्रिंसिपल की बात तो मानते ही हो, यानी यस। एंड यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट भी तो करते हो ना। हाँ, वैसे आप जब भी हमें मिलते हो तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, फिर यहाँ से जो कुछ भी आपको इंट्रक्शन दिए जाते हैं उसे भी तो आप फॉलो करते हो ना। आपके पेरेंट्स भी हमें यही करते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन है वो हमारी नहीं लेकिन टीचर्स की बात को बहुत अच्छे से मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो आंसर इज यस। एंड यू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, तो आप स्कूल के रूल्स को भी फॉलो करते हो और जो स्टूडेंट है वो स्कूल के जो रूल्स है उसे नहीं फॉलो करते हैं। तो अभी स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं किया है रूल्स फॉलो तो अब करने लगोगे। ओके, तो आपको रूल्स है वो फॉलो करने हैं। तो आंसर यू नेवर डू योर होमवर्क, तो आप अपना होमवर्क है वो अच्छे से करते हो। तो यहाँ पे नेवर डू लिखा हुआ है कि नहीं करते हो, तो ये बात तो फॉल्स हुई ना, गलत हुई ना। तो योर आंसर इज नो, क्योंकि आप है वो अच्छे से होमवर्क करते हो राइट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू है वो अच्छे से फिलअप कराया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एंड
आपको ये जो भी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 and 2, सो यू हैव टू डू राइट डाउन योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको फिलअप करना है और फेसबुक में भी राइट करना है। ओके, यू कैन डू वेरी नाइसली वर्क, आप अच्छे से वर्क करते हो। हाँ, सारा होमवर्क है, अच्छे गुड हैंड राइटिंग से आपको फेसबुक और टेक्स्ट बुक में राइट करना है। सो हैव टू डू येट योर होमवर्क। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।